नमस्कार। अब बात करते हैं सिक्स ऑफ कप्स की। आपके स्क्रीन पे ये सिक्स ऑफ कप्स की पिक्चर है। इस पिक्चर को हम देखते हैं तो दो लेडीज हैं, उनके सामने और पीछे हाथ में सब जगह कप्स हैं, कप्स में फ्लावर्स हैं। दो लोगों का जो जेस्चर है वो भी शेयरिंग का जेस्चर दिखाई दे रहा है। पीछे घर है, सो ऐसा लग रहा है कि जो बहुत समय पहले हमने फूलों के पेड़ लगाए थे, अब उन पेड़ों में फूल आ गए हैं। ये हमारे इस कार्ड की बहुत सारी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। सो आई विल गो बाय वन ऑफ माय टीचर, जो कि जिनकी इंटरप्रिटेशन मुझे सबसे बेस्ट सुटेबल लगती है इसके लिए, कि ये जो है ये हमें सजेस्ट करता है कि वी आर पॉजिटिव विद अवर इमोशनल मेमोरीज। जो हमारे पास्ट की इमोशनल मेमोरीज हैं उनके साथ हम आज के सिचुएशन के बारे में ये दिखाता है कि रीयूनियन के बारे में बात करता है। ये रीयूनियन के बारे में बात करता है, ये बात करता है कि हो सकता है आप अपने पिछले पुराने दोस्तों से मिले या उन जगहों को विजिट करें जहां पर आप पहले इमोशनली जिस चीजों पर आप अटैच थे या आप किसी तरीके से उससे जुड़े हुए थे। जनरली ये कार्ड पॉजिटिव है, पर ये कार्ड इसके साथ साथ आपसे पॉजिटिव होने के साथ साथ ये भी कहता है कि यू शुड नॉट स्टॉक इन योर पास्ट। ये पास्ट की रीयूनियन के बारे में जरूर बात करता है, बट ये आपसे ये भी कहता है कि आपको अपने पास्ट में रुके नहीं रहना है, वहां पे किसी तरीके से अटके नहीं रहना है, आपको आगे निकल जाना है। कई लोग इसे दूसरे तरीके से पढ़ते हैं कि ये इमोशनल फ्रूटफुल है, उस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो मैंने पहले भी बात करी थी कि कार्ड का इंटरप्रिटेशन आपके जजमेंट के हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हो। आपसे वो पर्टिकुलर कार्ड क्या कहता है ये आप खुद समझ पाओगे जब आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे इंटुटिवली। सो दिस इज वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन। एज आई सेड, देयर कैन बी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कार्ड। बिजनेस और करियर के केस में ये आपको सजेस्ट करता है कि ऐसा कोई करियर जो आपने पास्ट में किया हो, या ऐसा कोई करियर या जॉब जिससे आप इमोशनली अटैच हो, या जिसको करने में आप काफी कंफर्टेबल फील करते हो, ऐसे काम आपके सामने आने वाले। आई रिपीट, ये आपके बिजनेस और जॉब के केस में ये बताता है कि ऐसा कोई काम जो आपके पास से रिलेटेड हो सकता है, पास में आपने उसे बहुत इंजॉय किया हो वो आपके सामने आने वाला है, या आप जिसमें बहुत कंफर्टेबल हो वो आपके साथ सामने आने वाला है, या आप ऐसा कोई काम जिसके साथ आप इमोशनली अटैच थे वो आपका काम सामने आने वाला है। ये आप को इमोशनली जॉय देता है कार्ड, आपको जॉयफुलनेस देता है। ये आपकी इमोशंस या काम में स्टेबिलिटी की तरफ भी इंडिकेशन देता है। ये दिखाता है कि आज के टाइम पर आपके पास स्टेबिलिटी है, आपने जो पहले काम किया उसकी वजह से आपके पास इमोशनल स्टेबिलिटी भी है। हो सकता है कि ये काम आपको बहुत ओवर एक्साइट ना करे, पर फिर भी ये आपको स्टेबिलिटी तो जरूर देता है। रिलेशनशिप के केस में भी ये आपसे यही बताता है कि आज की सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप जो है स्टेबल भी है और नर्चरिंग भी है। आपके रिलेशनशिप में फर्दर ग्रोथ की इंडिकेशन होती है। जो फ्लावर्स हैं वो हमें ग्रोथ की तरफ इंडिकेशन देते हैं, वो हमें बताते हैं कि देर इज नो चैलेंज इन द फ्यूचर रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। ये कहते हैं कि आज की रिलेशनशिप आज बहुत अच्छी है, स्टेबल है, ये सिचुएशन आपको सूट करती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिचुएशन आपको सूट करती है तो ही आप उस चीज को ज्यादा नर्चर कर पाते हो, ज्यादा इंजॉय। बट एट द सेम टाइम अगर और आगे की कार्ड्स क्या कहते हैं स्प्रेड में, ये कार्ड ये भी बताता है कि आज की सिचुएशन आपको सूट करती है, यू आर स्टेबल इन दिस रिलेशनशिप, पर ये मे बी एवरलास्टिंग ना होने कैसे कहेंगे, ये ऑलवेज डिपेंड करेगा कि हमारे स्प्रेड में आगे के कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। तो ये कार्ड आज के सिचुएशन में एस इफ नाउ के बारे में बात करता है कि यू हैव अ स्टेबल रिलेशनशिप एंड यू आर इंजॉइंग योर रिलेशनशिप, यू कैन सी अ गुड बेटर फ्यूचर विद इन योर रिलेशनशिप। सिंगल्स के बारे में ये बात करता है
यू माइट रिटर्न टू योर एक्स पार्टनर, रिटर्न टू योर एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, और हो सकता है कि आप उस या आप अपने किसी एक्स की मेमोरीज में अभी तक इंडल्ज हैं, इसकी तरफ भी इंडिकेशन देता है. सो एक बार फिर से मैं आप लोगों से जरूर कहूंगी कि अगर आपको आपसे ये कार्ड कुछ और कहता है तो आप इसको उस तरह पढ़ें, पर मेरे हिसाब से मुझे ये इंटरप्रिटेशन इसकी काफी सुटेबल लगती है, तो मैंने उसके हिसाब से ये कार्ड आपको बताया है. सो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस टैरो जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नमस्ते.